गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मिसेस पार्टी में। ये देखो मैं ताला लगा रही हूँ अभी, और हम लोग जा रहे हैं आज कहीं बाहर। हम लोग बाहर क्या मतलब वर्किंग से जा रहे हैं, मेरा जितने काम से जा रहे हैं। किच्छा पहले रुद्रपुर जाएंगे, फिर रुद्रपुर से किच्छा जाएंगे, और फिर वहाँ से मेरी सिस्टर है, शायद उसके घर भी जा सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा तो। तो आज ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो सुबह हो रही है शायद 9:30 बज रहे हैं, और बहुत ख़तरनाक धूप लगी हुई है। ये देखो मैंने 10 रुपये की पानी की बोतल भी घर से भर ली है, क्योंकि बाहर लो इतनी सारी बोतल लग जाती है, इसमें तो पानी भरते रहो बस। कहीं क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं भी हमें एक्वागार्ड लगे हुए मिल जाते हैं, तो हम वहाँ से पानी भर लेते हैं। अरे बाबू, पानी की बोतल गिरा दी मैंने गलती से, महाराज जी को फ़ोन लगा दिया मैंने। और हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है रेलवे क्रॉसिंग की, जो बार बार लग जाता है, फाटक बंद हो जाता है, फिर हमें उसे खुलने का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। तो मैं अपने स्वीट होम से निकल चुकी हूँ। अंशु स्कूल से भी आएंगे, उसको आज मेरे मामा लेके आएंगे जो डिग्री कॉलेज पे रहते हैं, और लड्डू जी भी हुई हैं आज, क्योंकि आज मम्मी लोग भी यहाँ पर नहीं थे, मम्मी लोग गए हुए हैं किस कहीं बाहर, तो लड्डू को मैंने मामा के घर में छोड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी देखो फाटक की वजह से, यहाँ पर सब जाम लग जाता है, पर अभी इतनी नहीं हुई थी क्योंकि जल्दी हम निकल गए हैं। अब चलते हैं आगे, फाटक खुल गया है, मैं चलती हूँ महाराज जी के पास। महाराज जी मेरा वेट कर रहे हैं बाहर पे। वो देखो महाराज जी दिख रहे हैं आपको, वो बैठे हैं कितने मज़े से, मुझे दौड़ा रखा है इन्होंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, स्कूटी में ये लेके आया, स्कूटी में वो लेके आया। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं हूँ अभी दुर्गा सिटी सेंटर पे, डिग्री कॉलेज के पार्क पे है जो बिल्कुल हल्द्वानी में, और मेरे महाराज जी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। यहाँ पर मेरे मामा जो हैं वो जॉब करते हैं, तो वो दोनों यहाँ पर बैठे गप्पे मार रहे थे, फिर बहुत सारे ब्रांड हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग हल्द्वानी की भीड़ भाड़ से अलग आ चुके हैं, हम लोग हैं अभी रुद्रपुर वाई रोड पे। अभी इसके बाद आएगा टांडा का जंगल, जहाँ पर घूमते बड़े बड़े हाथी घूमते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, लाओ खबर रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना हमारे साथ आपको क्या लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेल बाबा का मंदिर, बहुत भीड़ है। बेल बाबा मंदिर से हम आगे बढ़ चुके हैं, और ये आ गया है जंगल स्टार्ट हो गया। देखो ये है टांडा का जंगल, कितना सुंदर लगता है वैसे, पर ये होने को जंगल है लेकिन यहाँ पर ठंडा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अगर बाँस के जंगल होते मेरा जी तो क्या होता है बताओ, मज़ा आ जाता पर यहाँ हो नहीं सकता था। ये प्लेन्स वाला जंगल है ना, ये गर्म वाला जंगल है, ये पहाड़ वाला जंगल नहीं है। ये जो आपको दिख रहे हैं पेड़, ये है यूकेलिप्टस के पेड़ है, बिल्कुल कैसे होते हैं सफेद और इतने लंबे लंबे ना, और ये गर्म जगह में ही होते हैं। पहले यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं रहती थी, अब इतनी भीड़ होने लगी है गाड़ियों की, कार, बाइक्स, क्योंकि सब जब दिल्ली से रोज पहुँच जा रहे हैं इनका लोग ना। तो ये देखो पीछे मेरे जंगल, और मेरा जी आगे, और मैं बैठी हूँ पीछे से। Much later. तो फ्रेंड्स हमारा जो रुद्रपुर में काम था वो हो चुका है फिनिश। अब आप हम लोग जा रहे हैं यहाँ से किच्छा, और रुद्रपुर से जो किच्छा है वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं और मेरा जी चल रहे हैं किच्छा में, वहाँ हम काम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपनी बहन के वहाँ, फिर उसके घर। देखो ये लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, दौड़ के जा रहे हैं। अच्छा आ रहे जा रहे हैं, ये दौड़ने वाले, ये दौड़ने वाले। अच्छा आप लोग दौड़ लो, दौड़ के कौन मिल जाता है मुझे बताएंगे, इनको देंगे। अच्छा दौड़ने वाले के जय बोले, जय बोले। तो ये लोग ना दौड़ के मतलब एक जना आगे जा रहा है, फिर उसको आगे दौड़ के आ रहे हैं, फिर वो उसको दे रहा है ना, जय बोले। खड़े हैं और वो एक दूसरे को देंगे, हाँ, और फिर पकड़ते पकड़े, मतलब दौड़ने वाली कावड़ है। अच्छा ये दौड़ने वाली कावड़ है, कावड़ बहुत प्रकार की होती है ना, तो इसमें दौड़ दौड़ के पहुंचाएंगे जहाँ से आए हैं लोग। अच्छा वहाँ तक। तो फ्रेंड्स रुद्रपुर से जो किच्छा का रास्ता है वहाँ पर एक टोल गेट भी मिलेगा आपको, पर हमारा वहाँ फ्री है ना मेरा जी, तेरी पहचान है ना वहाँ। हाँ मेरा तो फ्री है, हम फ्री 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 जाएंगे, टेम्पो बाइक इधर से जाए। पंतनगर जो है 13 किलोमीटर है, तो हम पंतनगर से होते हुए जाएंगे। ये है यहाँ की मार्केट, यहाँ देखो कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है यार, ये सिंधी स्वीट खाओगे यहाँ।
बहन दया मेरा जी नहीं है, मेरा जाएंगे तो खाऊंगी कुछ। मैंने पूछा आप लोगों को विशाल मेगा मार्ट वगैरह ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है विशाल वगैरह। तो ये टेंट दिख रहा है यहाँ पर कपड़ों का, इसे घूम के आती हूँ, टाइम पास तो होगा मेरा मेरा जी के आने तक। का मार्केट और मंदिर यहाँ पर लगती है मार्केट की छोटी सी मार्केट है इच्छा की, छोटी छोटी स्ट्रीट मार्केट बहुत लगती है। फ्रेंड हम लोग पहुंच चुके हैं लाल कुआं, तो आपको सामने दिख रही होगी पेपर मिल, काफ़ी बड़ी मिल है ये सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं की। आज हम किच्छा से अपना काम निपटा कर आ गए हैं और हम यही लाल कुआं जाने वाले हैं, मेरी बहन रहती है यहाँ पर। बनी हूँ देखो मेरा पूरा मुँह चुनी से ढक रखा है क्योंकि बहुत धूल हो रही थी यहाँ पर और बहुत मिट्टी उड़ रही थी, तो मैंने कहा यार सेफ्टी फर्स्ट, मेरा जी बेचारे काले में घूमते ना, इस रोड में बहुत धूल उड़ती है तो मैंने तो सेफ्टी कर रखी है, और बेचारे मेरा जी अगर ऐसे चुनरी ढक लेते तो उनको दिखाई नहीं देता ना आगे। सेंचुरी पेपर में से निकलता हुआ धुआं, ये धुआं मेरा जी देखो, जैसे सिगरेट में से निकलता है वो सिगरेट जली है ऊपर का धुआं निकलना ना, सिगरेट भी हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुँचाती है और ये धुआं भी। यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे अंदर को, हम मेरी जो सिस्टर है वो रहती है गवर्नमेंट क्वार्टर में सेंचुरी के, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी सेंचुरी के गवर्नमेंट क्वार्टर कैसे हैं। वाओ सेंचुरी के गवर्नमेंट क्वार्टर, मतलब सेंचुरी के क्वार्टर यार मेरा जी, तुम मेरी बातों को हमेशा ही पढ़ते रहते हो, तुम मुझे चिढ़ाते रहते हो। यहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग भी पड़ती है जैसे हमारे घर के पास पड़ती है, और ये कभी भी किसी को भी रोक देती है, लेकिन आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि बननी है ना, तो हम अंदर चले गए। और पता है इन सरकारी क्वार्टर्स में हम बचपन, सरकारी क्वार्टर के फिर से इन क्वार्टर्स में बचपन से आ रहे हैं क्योंकि जब इन चाची लोग यहाँ रहते थे तो हम जब उनके बर्थडे वगैरह होता था तो बचपन में हम आते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हमने कॉलोनी टाइप की पहली बार देखी थी ना उस टाइम पे बचपन में। आज के तो टाइम बाद आ रही हूँ भैया, हम कब आए थे इससे पहले, इसके बर्थडे के आए थे ना एक दो साल पहले। इसके जो अंदर जाते हैं उसे बोलते हैं 25 एकड़, तो हम जाएंगे 25 एकड़ के अंदर। इसका नाम 25 एकड़ ही रखा होगा, 25 एकड़ में बना होगा ना ये वाला। ये आ गए हम, देखो पहले गुड़िया लोग उस वाले में रहते थे सामने, वो देखो वो मेरी बहन दिख रही है ऊपर से, और आजकल यहाँ पुताई चल रही है यार, तो बोल रही थी ना यार बड़ा बेकार हो गया है, फिर से चमका रहे हैं, देखो कितना मस्त हो रहे हैं। वो ऊपर गुड़िया खड़ी है, मुकेश खड़ा है, और यहाँ पहले गुड़िया लोग उधर वाले में रहते थे, अब इधर ऊपर तो इमरजेंसी में शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरा जी मेरे बाल का टोरे पता नहीं जैसे भी रहूँगी यार, इतनी दूर से कभी पहले रुद्रपुर गए, फिर रुद्रपुर से किच्छा गए, और सारी दूर ही दूर रस्ते में, तो हो रहा होगा काला बिल्कुल, जहाँ जहाँ चश्मा लगा होगा वहाँ पर साफ रहा होगा, बाकी में कलर होगा, और वैसे मैं चुनरी ढकी थी मेरा थोड़ा कवर होगा, मेरा भी अलग होगा देखो, ये मुँह धोना पड़ेगा पहले ऊपर जाके यार, बारिश नहीं हो रही है तो ये लोग अपने आप से बारिश कर दे रहे हैं, देखो सब जगह बारिश ही का पानी आ रहा है। क्यों भाई मैं कह रहा हूँ बारिश नहीं हो रही है तो तुम लोगों ने ऐसे बारिश कर दी, कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसा मूवियों में नहीं होता क्या, मुंबई में चावल में रहते हैं, आज हम भी ऐसी चावल में रहने आए, चलो अंदर देखो, उसने बिल्कुल घर को प्ले स्कूल बना दिया है चारों तरफ आपको यही दिखेंगे ABCD 1 2 3 4, ये हमारा हीरो सोया हुआ है दिव्यांश, और ये गुड़िया, ये मेरी बहन, इसका भी चैनल है सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज क्या नाम है चैनल का बता दो। मेरा चैनल का नाम है सविता नेकी गुप्त्याल, जिसमें मैं बच्चों को जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि कोई हार ना माने, ऐसे बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, जो मैं शूट कर रखा है आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मस्त मस्त वीडियो बनाती है, इससे अच्छा आपको आइडिया भी मिल जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के। हाय दिव्यांश, ये दोबारा सो गया ना, कौन आ गया, मैं दोबारा सो जाता हूँ, नहीं वो पहले सो गया फिर मैंने सुला दिया, पहचान रहे कौन है, चेक करो चेक करो, दिव्यांश के लाया, थैंक यू, कर दो थैंक यू, ऐसे करके करो, हेलो कह दो, हेलो एवरीवन, हेलो, प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसमें मैं आपको दिखूंगा दिव्यांश, ये हमारा हीरो है, हीरो देखो आप सबको फ्लैंकिस कर रहा है। The next day. ये देखो बन के आ गया है हमारा कड़ी चावल, और मेरा जी को तो बहुत भूख लग रही है, मेरा जी टूट पड़ता हूँ, तो क्या साली के आए हैं लोग बोलेंगे साली ने कुछ भी निकला है, तो हमने कहा दिखा देते हैं भैया इतना सारा चीज बना रखा है इसने, खाते हैं बैठ के आराम से कड़ी चावल, आप लोग भी खाइए हमारे साथ,
जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बताना मिल जाएगा आपको कैसे लगता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मिस्टर मिसेस पहाड़ी।